बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सीड एकेडमी। और मैं हूं आपके साथ नेहा। हम लोग अपना टिग्नोमेट्री 10th का चैप्टर अभी राइट नाउ कर रहे हैं और आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। 8.2 के कुछ क्वेश्चंस लेंगे, तो चलिए देर ना करते हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं बेटा। तो पहला जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, मैंने ऑलरेडी सीबीएसई का यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ 1 - 10² θ = 2/3 है तो आपको फाइंड आउट थीटा करना है कि थीटा कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आता है, पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था कि बेटा आप क्या है कि थीटा की वैल्यू पुट करके और इक्वेशन से आंसर निकालते हैं। थीटा आपको गिवन होता है, लेकिन इस एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज 8.1 का रेसिप्रोकल है। यहाँ पर आपको वैल्यू गिवन है और आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट करना है कि थीटा क्या होता है, एंगल होता है, वो क्या एंगल होगा जहां पर ये वैल्यू आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी आप देख रहे हो कि मेरे पास यहाँ पर 1 - 10² θ = 2/3 है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो आपको पता है कि यहाँ पर हम लीनियर इक्वेशन लगाते हैं कि आप कॉन्स्टेंट जो है वो सब दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 - 2/3 हो गया और 10² को मैंने राइट साइड पे ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पर राइट साइड पे क्या हुआ, 10² θ प्लस हो गया। अब यहाँ पर बेटा क्या हुआ कि आप एलसीएम ले सकते हैं, तो ये हो गया 3 - 2/3 हो गया, इज इक्वल टू आपका 10² θ हो गया। और आप सभी को पता है कि ये क्या होता है, 3 - 1/3 हो गया और 10² θ हो गया। अगर यहाँ पर स्क्वायर चल रहा है, अगर आपको स्क्वायरिंग हटानी होती है तो आपको दूसरी तरफ क्या होता है, अंडर रूट देना होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 10θ, अगर मुझे यहाँ 10θ चाहिए तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट देना पड़ेगा, स्क्वायर रूट जिसे बोलते हैं। तो ये हो गए 1/√3। तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकती हूँ √1/√3 लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू 10θ। और आप सभी को पता है कि √1 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या है, 1/√3 इज इक्वल टू 10θ। अब यहाँ पर आप ध्यान से एक बात को नोट करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये आइडेंटिटी है इसी में आपको राइट साइड में जो कांस्टेंट चल रहा है उसको ढूंढना है इसी आइडेंटिटी में कि इसकी वैल्यू कब आती है। हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सिखाया था कि आपको सिर्फ बनाना है, याद नहीं करना है। तो 10θ की जो 10θ की जो वैल्यू होती है वो आपकी 10θ पे आती है बेटा। 10θ जो होता है वो आपका क्या होता है, 1/√3 होता है। तो यहाँ पे 10θ मैं लिख सकती हूँ और ये क्या हो गया बेटा, आपका 10θ हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ, इस 10 से ये 10 कैंसिल कर जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, आपका थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, वो एंगल कौन सा होगा, दैट इज कॉल्ड 30° एंगल। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आई है, आपकी 30° आई है। होपफुली आपको क्लियर होगा। सिर्फ आपको याद रखना है कि जो आपको रेशियो दी हुई है उसी को आपको लेना है। आप साइन, कॉस, कॉट, सेक किसी की बात नहीं करेंगे, आप उसी की बात करेंगे जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी चैप्टर है बेटा, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कीप प्रैक्टिसिंग, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे और ये चैप्टर आगे की क्लासेस में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो और जिसने भी प्लीज मुझे लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आप कंटिन्यूटी चाहते हैं कि आपका चैप्टर ना टूटे और आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे, तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब भी सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपके चैप्टर पूरा होता रहे और हम एक एक क्वेश्चन बहुत आराम से करेंगे। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और घर पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बाकी आपके कोई डाउट्स नहीं रहेंगे, आपके डाउट बिल्कुल क्लियर होंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपको बेटा गिवन है कि जो 10 है वो आपको गिवन है कि जो 10 की वैल्यू है वो आपकी है 3x - 15° है बेटा। 3x - 15° इज इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ पर आपका है। और आपको बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर एक बात का ध्यान देंगे बेटा कि जो 15 है वो डिग्री में है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। डिग्री मीन्स एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम चीज जो मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताई थी
कि आपका देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो वेरिएबल बोल दीजिए या आइडेंटिटी बोल दीजिए वो 10 की चल रही है और राइट साइड में हमारे पास 1 है, तो 1 को हम देखेंगे कि 1 10 की टेबल में कब आता है, ठीक है, जिससे 10 से 10 कैंसिल हो जाए। हमारा मेन मोटिव रहता है कि जो आपके पास यहाँ पर रेशो दी हुई है इसको कैंसिल करना। तो यहाँ पर 10 जो है 1 की टेबल में आप सभी को पता है कि कितने पे आता है, 45 पे आता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं राइट लेफ्ट साइड तो आपकी सेम रहेगी, तो 10 3x माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, 10 से 10 को क्या किया हमने, कैंसिल कर दिया। आप कैंसिल करने के बाद क्या बचता है, 3x माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया 3x इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री, तो यहाँ पर 3x इज इक्वल टू क्या हुआ 60 और x तो आपका हुआ 60 बाय 3 इज इक्वल टू 20, तो 20 डिग्री जो आपका हुआ, आपका आंसर जो x की वैल्यू आई वो क्या हुई आपकी 20 डिग्री हो गई। क्लियर है आप लोगों को कि यहाँ पर 20 डिग्री आपकी x की वैल्यू आई है। यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही बात इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि जो 10 है तो यहाँ पर भी आपको ये जो है 1 आपका साइन में भी आता है, कॉस में भी आता है, सेक में आता है, कॉट में आता है, कॉसेक में आता है, लेकिन जब हम बात 10 की कर रहे हैं तो आप 10 की ही जो टेबल है उसी में ही आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको होपफुली समझ में आया होगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 2। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सेम एक्सरसाइज पर, कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या निकालने के लिए कहता है। क्वेश्चन 3 में बेटा आपको गिवन है कि जो 1 माइनस कॉस थीटा है आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा आपका वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऑलरेडी गिवन है कि वो बोलता है कि वे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, आपको ये एक इक्वेशन दी हुई है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उसने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि थीटा आपका कितना है, 90 डिग्री है। तो जब आपको पता है कि थीटा जो है 90 डिग्री है तो आप इसमें पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 90 डिग्री, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 90 डिग्री। क्लियर है, यहाँ मैंने कोई चेंज नहीं किया है, सिर्फ जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री डाल दी है। तो यहाँ पर क्या हो गया 1 माइनस कॉस 90 डिग्री और 1 प्लस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, सभी को पता है कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, लास्ट टाइम आप सबको बताया था मैंने कि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो 1 माइनस 0 और 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, तो आपका आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। क्या आंसर आएगा आपका, 1 आएगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा, सिर्फ आपको बेटा वैल्यू पुट करनी है, अगर थीटा आपको गिवन है तो थीटा के बदले आप उसकी एंगल को पुट कीजिए और उसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके बाद हम लोग आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा और उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 4 है। 4 क्वेश्चन बोलता है बेटा tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 है आपका, उसने बोला है कि जो tan थीटा है अगर आपका 1/√3 है, क्या है 1/√3 है, और आपको क्या बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 90 माइनस थीटा, और फाइंड क्या करना है बेटे आपको, फाइंड करना है साइन 90 माइनस थीटा फाइंड आउट करना है। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, सेम आप सिर्फ मेरी वीडियो में जो मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ और लॉजिक समझाती हूँ कि किसी को क्वेश्चन को देख के कैसे आपको समझना है कि उसका पहला स्टेप क्या होगा, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। ट्रिग्नोमेट्री में बेटा बहुत तरह की वैरायटीज आती है क्वेश्चंस की, और हर क्वेश्चंस को करने के लिए ना तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है और ना ही बहुत ज्यादा मतलब आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कैसे करें, उसके लिए एक सिंपल सी अलग अलग ट्रिक होती है हर क्वेश्चन की जिसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन की जो ये क्वेश्चन है मैंने आपको सिंपल सा बताया है कि बेटा जब ये क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, आपको एक तरफ एक आइडेंटिटी दी जाती है और दूसरी तरफ एक कॉन्स्टेंट दिया जाता है, तो आपके दिमाग में तभी स्ट्राइक करना चाहिए कि हमें दूसरी तरफ भी उसी चीज को लेकर आना है जिससे मेरा ये रेशियो और ये वाली रेशियो दोनों आपस में कैंसिल कर जाए, ठीक है, और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर सेम चीज मैंने किया है कि जैसे 10 30 है आपका,
टेन थीटा है आपका यहाँ पर, तो टेन थीटा लिया है मैंने, लेकिन जो टेन थीटा है वो आपका टेन थीटा है, और आपका वन बाय जो रूट थ्री है वो आपकी टेन की वैल्यू में कहाँ पर आता है, टेन की जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है वो कहाँ पर आता है, यहाँ पर हमको पता है कि ये जो आता है वो टेन थर्टी पे आता है बेटा, ठीक है। टेन थर्टी की जो वैल्यू होती है वो वन बाय रूट थ्री होती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यह एक सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है कि मुझे ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सेम वही चीज दूसरी तरफ लेकर आनी है। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, ये टेन से ये टेन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बेटा थीटा की जो वैल्यू आई वो क्या हो गई आपकी, थर्टी डिग्री हो गई। टेन की वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या हो गई, थर्टी डिग्री हो गई। अब यहाँ पर ऑलरेडी मुझे गिवन है कि अभी मुझे फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर बेटे यहाँ पर आपका ऑलरेडी साइन है 90 डिग्री माइनस थीटा आपका कितना है बेटा, 30 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा, अब मैं डिग्री से डिग्री माइनस कर सकती हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, साइन आपका 60 डिग्री हो गया। हो गया या नहीं हो गया, साइन 60 डिग्री हो गया। और साइन 60 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है, सभी को पता है अंडर रूट 3/2 जो होता है वो साइन 60 के बराबर होता है, और यही आपका आंसर होता है। सिर्फ आपको मेरे वीडियोस में पूरी डिटेल मिलेगी, प्लस मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगी कि क्वेश्चन देखते ही आपको कैसे समझना है, ये क्वेश्चन कैसे करना है, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप वीडियो ध्यान से और पूरा देखें, क्योंकि अगर आपका कोई भी पॉइंट मिस हो जाता है तो बेटा आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, और शॉर्टकट अपनाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आपने इस टाइम शॉर्टकट अपनाए तो इन फ्यूचर जाके ये चैप्टर आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।